सुबह सुबह जवान पूरे जोश के साथ, इधर हमारा जवान भी बेस्ट ऑफ लक छोटू। हाँ, अब तुम्हारे हवाले जो भी है अच्छे से करो, ठीक है? माइंड फ्री होके देना, ठीक है? मन में कुछ भी मत सोचना। और उधर पूरा नॉर्थ ईस्ट में देखिए, पूरा आसम राइफल रैली, और उधर बिल्कुल आगे है आसम राइफल गेम, उधर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहीं से ब्लॉक कर रहा हूँ। ये पूरा जवान लोग देखिए, सुबह का 4 बजे से सब लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं। देखिए बहुत जगह से है, आई डोंट नो, बट इधर भाई, आप लोग भैया कहाँ से है? नौगांव से ना आप भाई? तेजपुर। सब लोग बहुत दूर दूर से है। ये बंदा तिनसुकिया से है अपना, ये कितना लोग तो बेचारा रात को सोया भी नहीं होगा इसलिए लिखी थी। कितना लोग को रूम भी नहीं मिला यहाँ पे, पूरा हाउस फुल, होम स्टे भी फुल। जी के साथ आया मैं भी उत्तम। मॉर्निंग भैया। तो जवान लोग पूरा आज एक्साइटमेंट में है पूरा। गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग दिमा हसो आप लोग। और यार सुबह सुबह जवान लोग रैली में, तो चल भाई हम लोग इधर ही हैं, टेंशन मत लो, आराम से खड़ा हो। तो भाई उधर है देखो, जवान लोग पूरा देखो डॉक्यूमेंट लेके भागते हुए देखो, सब लोग आज जोश में है पूरा, बंदे लोग पूरा। दिस इज पारा मिलिट्री इंटरव्यू आसम राइफल। और जो पोज था ये वाशरमैन का पोज है, और देखो काफ़ी भीड़ भाड़। और इसका नियर बाई एरिया में भी आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएगा, बट अभी हाउसफुल है पूरा। और देखो इधर इधर देखो लाइन, हाँ लाइन देखो एकदम, मतलब वो आगे से बहुत आगे तक है, मतलब वो आगे कैमरा अलाउड नहीं है गाइस, बिकॉज ये जो आगे से जैसे आप टर्निंग लोगे आगे जाओगे वो मिलिट्री एरिया है, तो मैं जानबूझ के वो आगे गया नहीं। बहुत जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता है, नहीं होता गाइस, जोश में जाके वीडियो को भी मत बनाइए, वही वीडियो आपको एक दिन काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो जो भी है नियम का पालन करना है। तो मैं जस्ट इधर साइड से कुछ दुकान वगैरह है, अभी बंदे लोगों को बैठने के लिए लगा रहे थे, बैठेंगे बंदे लोग, देखे देखा रहा हूँ, क्योंकि सुबह का 4 बजे से सब लोग खड़े हैं ना। उधर देखो उधर बंदे लोग बैठ के देखो, रात से है ना भैया, 2 बजे से होगा, कोई लोग तो सोया नहीं। जी हाँ कल से बैठ रहा था ना बंदा लोग, कितने लोग राइफल डी एन हेडक्वार्टर इधर है रास्ता, वो इधर से जाना होता है। देखो सुबह सुबह पूरा सन्नाटा आप लोग। और इधर छोटा सा एक स्टॉल है, चाय के लिए भैया के साथ, भैया का इंट्रोडक्शन कराया नहीं, कल भैया का गाड़ी में गया था। भैया का नाम बोल दीजिए। मेरा नाम चितरंजन दास है। चितरंजन दास ना, हाँ। भैया बोल रहे ऑटो लेके आप कहाँ कहाँ गया था कल बता रहे थे आप। त्रिपुरा कहाँ का बताइए इधर। इधर लाश हो गया आप मेरा अगरतला, अगरतला अगरतला उधर हो गया लाश, नौगांव। नौगांव ना ऑटो लेके ना, मैंने आप लोगों से इतना दूर दूर चला जाता है अपना। और ये ऑटो कितना साल हो गया बोला था भैया आपका, लगभग 18 साल हो गया ना। सोच के देखो गाइस कल जैसे पहाड़ भैया ने चढ़ाया ऑटो को, मैं चौंक गया, इतना पुराना ऑटो और इतना अच्छा मेंटेनेंस करके रखा है, मेरा सोच का बाहर। मतलब कल ऐसा पहाड़ में गया था भाई, वो कौन सा कोना था, बाद में हम लोग रिटर्न आया पहाड़ जो कोना फेम्पोई ना, फेम्पोई। तो अभी ये चाय का टाइम है, इधर आंटी जी का दुकान है, चाय पीते हैं। आंटी नेपाली है क्या? ओह मणिपुरी। अच्छा चक चार है, चार है। आंटी मणिपुरी देखिए डीमा हाउस में। तो इधर बंदर चाय है, अभी चाय का चुस्की लेके फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैसेज दिया नो स्मोकिंग, देखिए बहुत अच्छा केटली में बनाया है। आप लोग का मणिपुर में भी ज़्यादातर केटली में बनता है, पोर्ट लोग होता है ना बहुत चीज। मैं जाके आया आपका मणिपुर। आप मणिपुर कहाँ से आंटी? अच्छा नोनी डिस्ट्रिक्ट में है क्या? कांगला तोम्बी ना विष्णुपुर मोइरांग तो में है। आप लोग कांगला तुम भी उस तरफ का है क्या? कनकोपी सेनापति मोरे रास्ता है, मोरे मोरे हाँ मोरे रास्ता का इस तरफ में, पता चल गया मोरे रास्ता है। अच्छा 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 तो इम्फाल का तरफ में है, जहाँ पे मेरी कॉम लोग जन्म हुआ ना। इधर आंटी जी बना रहे चाय, और देखिए पीछे से भी देखो व्यू गाइस, यहाँ पे विंडो पे आने का मतलब आप लोग अगर आते हो विंडो से नजारा देखना। और भैया जी का घर से तो और भी जबरदस्त, फ्लावर गार्डन है उत्तम जी के घर पे,
और पीछे का जो बैकग्राउंड है क्या बोलो, सुबह सुबह मुर्गी का आवाज भैया माइंड फ्रेश हो गया, चिड़िया का आवाज ऐसा हम लोग उधर कमती मतलब सुनने को मिलता है, बहुत कमती अच्छा लगता है आंटी ना, सुबह सुबह चिड़िया का आवाज मुर्गी का आवाज बहुत अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। आईना नंगमो नुंग से चिड़िया का साउंड। इधर क्या है, पॉफ है आंटी जी बना रहे इधर चाय, तो चाय वाय पीते हैं फिर उसका देखते बाद। और सब्जी भी है देखो यहाँ, ये तो नागा धनी है तो उधर हम लोग का उधर ही मिलता है। कितना आंटी टोपला एक टू का? 10 रुपये। हम लोग का उधर भी 10 रुपये है बट ये हमारे घर पे है थोड़ा बहुत। ये जो सब्जी आपको दिखाई दे रहा है जो प्लान, ये धनिया है एक्चुअली, नागा धनिया चटनी बॉयल सब्जी। आप इस पे ग्रेवी लाइक आप हर मतलब किसी में भी स्वाद अनुसार आप कहीं भी डाल सकते हो कच्चा। अरे बाबा ये बकरी उड़ा दिया रे, बकरी उड़ा दिया। अरे बाबा ये क्या देख रहे हैं, अगर गिर गया तो एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चन, लेकिन बांध के रखा है ना, हाँ रस्सी लामा छ बनाए रख दे। ठीक ठीक ठीक। और देखो ये ऊंचाई नीचाई देखो गाइस, ये तो सुबह सुबह बंदे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए। और सबसे खूबसूरती देखो वाल, एक तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा बाउंड्री बना के भी रखा है और वो हिसाब से अभी बहुत ही अच्छा डिजाइन भी देखा। देखो उसके वहाँ पे छेद भी है, मतलब वहाँ पे प्लांट भी निकलेगा। देखो अच्छा मेंटेनेंस है आप लोगों के अंदर में। चाय पत्ती अच्छा स्मेल मार रहा है, असम टी गाइस देखो मॉर्निंग, इट्स रियली अमेजिंग। ये मेरा सेकंड चाय है, सुबह चाय उत्तम जी के घर पे ले लिया, लाल चाय आंटी जी ने दिया। अभी दिस इज सेकंड चाय ये आंटी जी, आंटी लोग मैते है क्या? हाँ अच्छा, आप लोग का नियम लोग बहुत हम जानते हैं, यहाँ पे टीका लगाते हैं। अच्छा बोलो जाते है ना, शैभम जानता है? शैभम मणि अच्छा, इंचक इरुम्बा गारी थानसिंग इधर भी है ना, इरुम्बा है। अच्छा अच्छा आंटी का दुकान में इरुम्बा है, चलो बढ़िया है। शाम को आता है हम लोग आंटी, शाम को आता है हम लोग ना, शॉपिंग खाता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका पापा क्या ट्राइब से था? आपका पापा बोरो था क्या? शर्मा। अच्छा मतलब ट्राइबल में भी शर्मा होता है मतलब ना, मुझे पता नहीं था ये चीज। और ये दे दो आंटी, पॉप दे दो। हाँ थैंक यू। ओह री अगेन गाइस, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग टी, इट्स रियली अमेजिंग। चाय का चुस्की, ये मेरा दूसरा चाय है, पहला चाय उत्तम जी के घर पे लिया, ये दूसरा चाय है। बैठ के लेते इधर, मेरे को पॉप दे दो आंटी। ओके थैंक यू। और तो यहाँ पे आने का पता चला जो ट्राइबल समाज होते हैं जो बोरो, अभी आंटी का मुंह से मैंने सुना शर्मा, आंटी लोग शर्मा है मुझे पता, मैं भी शर्मा हूँ। शर्मा है जी हाँ, असमी शर्मा है ना, नेपाली शर्मा गोरखा, हम लोग मणिपुरी में। हाँ मैं तैसे बोरो है, ये लिखता भी शर्मा है क्या टाइटल? शर्मा लिखता है। ओह मुझे आज ही पता चला ये चीज। जी जी हाँ, बंगाली में शर्मा नहीं क्या? नहीं बंगाली में नहीं है। इतना छोटा इसको क्या बोलते हैं आप लोग जाति में? ये तो हम लोग कच्चप बोलते हैं। कच्चप मतलब मणिपुरी में बोलते हैं ना, बोरो में बोलते हैं मणिपुरी में कच्चप। और तामोल को? तामोल को क्वा 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 चागेरा चारे। आपको मणिपुरी भाषा मालूम है तो? थोड़ा थोड़ा मालूम है। नजदीक है क्या? नहीं मेरा घर तो असम में, मैं घूमने जाता है मणिपुर, मैं घूम के मणिपुर में तो दूसरा भाषा नहीं बोलता, नहीं बोलता है पूरा वहाँ का आदमी मैं देखा है। हाँ। हिंदी मालूम है लेकिन नहीं बोलता है, अपना भाषा ही बोलेगा। क्यों ना, हम लोग इधर में आया बोल के हम लोग दूसरा भाषा मालूम है, मालूम है ये लोग जाके हम लोग को भगवान माफी मांगता है। हाँ ये बात तो सब भाषा मालूम है, सब भाषा मालूम है। मतलब मेरा दीदी का घर में बिल्डिंग बनाने का लेके आया है। जी हाँ, मेरे जीजा जी आर्मी है ना। अच्छा, तो बिल्डिंग बनाने वाला तो बाहर से लेके आया, इलुंग के साथ में कोई पता आता पता नहीं है। मेरा जीजा जी के साथ में तो बातचीत है, बातचीत है, दूसरा के साथ में बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। टुपला टुपला कैसा करके? 10 रुपया। अच्छा बढ़िया है, मेरा तो साथ में बातचीत करो बोलती है।
शायद अभी रनिंग हो रहा होगा तो उसी के बगल में मैं हूँ, तो यहाँ पे चाय पी लिया मणिपुरी आंटी की दुकान पे। और हम लोग आने के बाद मुझे पता चला कि गाइस यहाँ पे भी पूरा मिक्स कल्चर है और यहाँ पे एक मिजो लोगों का एक पूरा एक सोसाइटी मतलब एक कॉलोनी है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे जाने का और वहाँ पे मैं जरूर जाऊँगा, कोशिश करूँगा आप सबको मैं मिलाऊँगा। और कल जब मैं गाड़ी पे घूम रहा था एक साइन बोर्ड मुझे दिखाई दिया, बलपोइना क्या ऐसा कुछ नाम था मुझे याद नहीं हो रहा है, तो उस साइन बोर्ड के पीछे लिखा था चिवाई बोल के ना, गुड बाय अलविदा जैसे लिखा होता है जिसे मिजोरम लोग बोलते हैं। जब मैं मिजोरम गया था तो मुझे पता चला, तो भैया जी लोग से पूछा तो पता चला यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट के जस्ट नीचे एक कॉलोनी है जहाँ पे मिजो समाज लोग रहते हैं मिजोरम में। तो यहाँ आके पता चला यहाँ पे बोरो कसारी उसके बाद में राबा हजोंग से लेके गोरखाली असमीज तो है अपना, और ऑलरेडी आपका जो गारो खासी धीमा हसाओ नागा कुकी से लेके मिजो मणिपुरी हाँ और अदर ट्राइब जो बंगाली लोग है बिहारी लोग ये सभी लोग हैं यहाँ पे। तो मिक्स कल्चर है, हम लोग में भी ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, मिक्स कल्चर है, मिक्स सोसाइटी है, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और देखो एरिया देखो अप एंड डाउन पूरा बहुत ही खतरनाक। ये स्टॉल है मणिपुरी आंटी का, उनसे बात करके अच्छा लगा। आंटी जी पूछ रहे थे कि आप मणिपुरी इतना अच्छे से बोल देते, एक्चुअली इतना अच्छे से आता नहीं, बस टूटा फूटा बोल देता हूँ मैं। जब मैंने एक्सप्लोरिंग सेवन सिस्टर, अभी भी एक्सप्लोरिंग सेवन सिस्टर में मैं हूँ, अभी ये आसाम लगभग लास्ट बॉर्डर मेघालय नियर बाई एरिया मणिपुर सिलचर तो आसाम के अंदर ही है, फिर वहीं से होके सब जगह जाते हैं। जैसे कि सिलचर है, पहले जब मैं इतना नॉर्थ ईस्ट में घुमा नहीं था गाइस, एक चीज़ मैं आपको रियलिटी आज बताऊंगा गाइस वीडियो पे, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते थे गुवाहाटी को, बट ये मेरे हिसाब से नहीं होगा, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट सिलचर है गाइस, क्योंकि हम सिलचर से होके मणिपुर जा सकते हैं और सिलचर से होके मिजोरम त्रिपुरा मेघालय, बट गुवाहाटी से होके हम सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं वो है ओनली फॉर मेघालय, बट सिलचर से होके हम मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा मेघालय एंड आसाम, देखो इतना सारा स्टेट है। तो आई थिंक सो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट सिलचर को होना चाहिए, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि हम बहुत घूमते गए, घूमना अपना पैसन है। और अभी बस वीडियो में बोलना सीखा है, बस अभी कल परसों से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट ही है और मैं एक ट्रेवल ब्लॉगर हूँ, अच्छा लगता है अपना पैसन है, यहाँ कोई पैसा वैसा के लिए आया नहीं मैं, बस अपना पैसन है गज एक अच्छा लगता है करके, और इन्फॉर्मेशन दे के सूचना दे के लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ गज कभी मैं जाता हूँ, बस अपना जो ब्लॉग है बस रो है बस नेचुरली, या फिर कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह लिखना वगैरह नहीं है, जस्ट आया जैसे घूम रहा हूँ मैं, जैसा मैं कैसा अपना लाइफ स्टाइल को लीड कर रहा हूँ, वो जगह पर जाके मैंने कैसे सर्वाइव किया। अभी मैं हाफ लॉन्ग आया हूँ गाइस, टेंट वगैरह लेके आया हूँ, तो पहला दिन तो मैंने टेंट लगा दिया था यहाँ पे, उसके बाद ही मैं अपना होस्ट का घर पे गया क्योंकि मुझे पता है अगर उत्तम जी को पता चलेगा मैं हाफ लॉन्ग पे आया हूँ तो डेफिनेटली उनको दिल से बुरा लगेगा। तो पहला दिन टेंट पे गुजारा करके फिर उत्तम जी के घर पे आया और अभी देख उत्तम जी के साथ में मैं हूँ, दिखाते रहूँगा आपको सब कुछ क्या भी यहाँ क्या जो भी नज़ारा वगैरह, आप कंटिन्यू बने रहे। और जो ब्लॉगिंग करने का जो स्टाइल है कि देखो गाइस पहले क्या होता था ना कि रस्ते के किनारे में खड़ा होकर ब्लॉगिंग करना मतलब वो नहीं हो पाता था, बहुत ही नर्वस होता था। अभी बिल्कुल देखो लोग आना जाना करे रहे इधर से उधर, मतलब ये कुछ भी नहीं, मतलब ब्लॉगिंग मतलब क्या है, वीडियो में बात करो ना क्या है वही चीज़ आपको दिखाना है, मतलब ये नहीं कि मतलब आप स्क्रिप्टिंग लिख के आए हो और जिस लाइक कविता पढ़ रहे हो वैसा नहीं होता, नेचुरली बात करो जैसा है वैसा ही वैसे होता है ब्लॉगिंग, इसमें कुछ भी नहीं है गाइस, जो है आप जिस लाइक रो ना से रो के थे नेचुरली। अभी जाता है कि भैया निकलते हैं ना, चलो ओ आंटी आंटी अच्छा लगा आंटी का, आएगा बाद में आपका इरुम्बा खाने के लिए आएगा।